हम बात करेंगे कि कैसे आप जीरोधा में NRI डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑफलाइन है और इसमें कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और आपको फॉर्म के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में टाइप करेंगे जीरोधा NRI अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपका ये पहला लिंक ओपन होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर आपको सारी प्रोसेस और स्टेप्स के साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट दी हुई है, लेकिन डॉक्यूमेंट से पहले ये बताया गया है कि किस तरह के NRI डीमैट अकाउंट जीरोधा में ओपन किए जा सकते हैं। तो पहला है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम अकाउंट। ये नॉर्मली इस पर्टिकुलर अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको RBI की परमिशन चाहिए होती है। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर के लिए नॉन PIS अकाउंट रिकमेंडेड है, क्योंकि ये आसानी से ओपन हो सकता है और यहाँ पे RBI की परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, जहाँ पे मैं ये अकाउंट फॉर्म ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये करीब आपका 22 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसे पूरा एप्लीकेशन किट भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे और चौथे पेज से आपको सबसे पहले नो योर क्लाइंट यानी KYC एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे हर पेज पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही सिंपल है और आप आसानी से इसको भर पाएंगे। यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट आप देखेंगे DMAT डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन फॉर्म। इस फॉर्म को आप ऑप्शनली ले सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में आप एक तरह से जीरोधा को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। आप उसके जगह CDSL पिन का यूज़ कर सकते हैं और इससे जो भी सेलिंग है आपके स्टॉक्स की वो आपके पूरे कंट्रोल में रहेगी। इसके वजह से आपका ब्रोकर भी बिना आपकी इजाज़त के सेल नहीं कर सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म और DDPI के बाद आपको एक फटका डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। ये भी मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। यहाँ पे देखेंगे बहुत सिंपल सा है, 2 पेज का फॉर्म है जिसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आप देखेंगे PO बॉक्स डिक्लेरेशन फॉर्म है, जहाँ पे आप इंडिया से बाहर जिस भी कंट्री में रहते हैं उसका एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे इसको आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA डिक्लेरेशन फॉर्म है। चलिए इसे भी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आपको सिंपल है कि एक ऑलरेडी फॉर्म के फॉर्मेट में है, इसमें आपको केवल यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके दे देना है। एप्लीकेशन नंबर जीरोधा के ऑफिस से फिल होगा। इसके अलावा ये मेन 3-4 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फिल करने हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर रिक्वायर्ड है। उसके बाद क्लाइंट डिटेल्स एंड डिक्लेरेशन फॉर्म है, चलिए इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। इस फॉर्म में भी आप देखेंगे आपकी पर्सनल और सिंपल इन्फॉर्मेशन है जो आप बिल्कुल कुछ सेकंड में ही भर सकते हैं। उसके बाद आपको एक सेल्फ असिस्टेड एंड नोटराइज्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड तो होने चाहिए, साथ में नोटराइज्ड भी होने चाहिए। अगर आप इंडिया से बाहर हो जैसे UK या US में, मैं UK का एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी नोटराइज्ड एजेंसी हैं जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद नोटराइजेशन प्रोवाइड करते हैं,
लेकिन सबसे सिंपल और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है कि आप पोस्ट ऑफिस से इसको करा सकते हैं। सिंपली आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक फोटोकॉपी लेकर के पोस्ट ऑफिस जाना होगा, जहां पे वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देख करके आपके फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स पे एक स्टैम्प लगा देते हैं, जो कि ज़ीरोधा में एक्सेप्टेबल है। मैंने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स इसी तरह से भेजे हैं। इसके बाद आपको एक सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड चाहिए। नोटराइजेशन आप चाहे नोटरी से कराइए, चाहे पोस्ट ऑफिस से, जैसा मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एंड नोटराइज्ड कॉपी ऑफ ओवरसीज एड्रेस प्रूफ चाहिए, जिसमें काउंसिल टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल इत्यादि आप दे सकते हैं। इसके बाद एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंडियन एड्रेस प्रूफ अवेलेबल, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड दे सकते हैं। एक कैंसल्ड चेक NRO या NRE बैंक अकाउंट का। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, यदि आप NRI अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, NRI डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपने बैंक को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेसिडेंशियल इंडियन से NRO एंड NRE अकाउंट में। इसके बगैर आप इस एप्लीकेशन को नहीं सबमिट कर सकते। अगर आप कोई नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो उनका भी आपको ID प्रूफ देना चाहिए, जैसे कि आपके स्पाउस हो सकते हैं इसमें, और उनका आप अटेस्टेड पासपोर्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आपको लेटेस्ट इमिग्रेशन कॉपी में आपको एक अपने वीज़ा की कॉपी देनी पड़ेगी। UK में बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट होता है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि किस केस में आपको डॉक्यूमेंट्स नोटराइज्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ PIS अकाउंट, लेकिन हम अभी नॉन PIS अकाउंट के ही बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं, तो उसको स्कैन करना होता है, और स्कैन करने के बाद आपको ज़ीरोधा को भेजना पड़ता है। ये एड्रेस है forms@zerodha.com। इस ईमेल आईडी पे आप सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो ज़ीरोधा की सपोर्ट टीम इसको वेरीफाई करेगी। अगर उसमें कोई मिस्टेक होगी तो वो सजेस्ट करेंगे उनको करेक्ट करने के लिए, अदरवाइज़ वो एडवाइस करेंगे कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को उनके पास हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स को एक दिए हुए एड्रेस पे, जो कि यहाँ पे नीचे दिया है गया है, यहाँ पे आप इसको कुरियर कर दें या मेल कर दें या पोस्ट कर दें। मेरे हिसाब से सबसे इजी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप पोस्ट ऑफिस का यूज़ करें। ये सबसे चीप है, सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने अपने सपोर्ट पेज पे मेंशन किया है कि 72 आवर्स आफ्टर रिसीप्ट ऑफ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। यहाँ पे कुछ कुछ आप देख सकते हैं, नीचे PIS और नॉन PIS डीमेट अकाउंट में डिफरेंसेस बताया गया है, और नॉन PIS अकाउंट ही रिकमेंडेड है फॉर रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप ज़ीरोधा की टीम के लिए एक यहाँ से क्रिएट टिकट करके क्वेरी पूछ सकते हैं। यदि इसके बाद भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।